Subscribe my channel for recipes and press the bell icon for more updates. इडली बनाने के लिए मैंने 3.5 कटोरी सूजी ली है। ये इडली मैं करीबन 7 से 8 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो जितने लोग होंगे उस अकॉर्डिंग आप सूजी का मेज़रमेंट ले सकते हैं। और 3.5 कटोरी अगर सूजी ली है तो इसके अंदर हम 3.5 चम्मच ही दही डालेंगे। जितनी सूजी होगी उतने चम्मच आपको दही डालना है। तो मैंने एक बर्तन के अंदर 3.5 चम्मच दही डाला है और इसी के अंदर हम एक छाछ के रूप में इसे हम तैयार करेंगे। तो इसमें मैं अगला नमक और जीरा ऐड करूंगी। तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो जीरे को आप सेक करके उसे अच्छे से बट करके इसे डाल सकते हैं, थोड़ा बारीक करके। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक छाछ का रूप दूंगी। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब मेरी छाछ भी रेडी है। तो अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके सूजी के अंदर डालूंगी। और याद रखिए, आपको एक ही डायरेक्शन में हिलाना है। पहले तो आपको अच्छे से मिक्स करना है जितना पानी आपको चाहिए, और उसके बाद में आपको एक ही डायरेक्शन में हिलाना है। और बिल्कुल स्पंजीनेस होगा उस इडली में, आप लास्ट में देखिएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाएंगे और देख सकते हैं इतना थिकनेस होना चाहिए आपके बैटर में। क्योंकि अगर बैटर अगर ज़्यादा पतला होगा तो जो आप इडली बनाएंगे वो इतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी। अब इडली कुकर में मैंने जहाँ पानी चढ़ाया था वो बिल्कुल उबल चुका है और इडली के जो सांचा है उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आपको सही से लगाना है ऑयल। सूजी की इडली बनाने का यही फ़ायदा होता है कि ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। क्योंकि अगर आप चावल की बनाएंगे, दाल की बनाएंगे तो उसे गलाना पड़ता है, बहुत ही टाइम लगता है, और ये जल्दी से बन जाती है सूजी की इडली। चलिए, अब मैं बैटर के अंदर इनो डाल दूँगी। तो मैंने 3 पाउच लिए हैं इनो के। इसमें से मैं 2 पाउच पूरे डालूंगी और 1 पाउच आधा डालूंगी, यानी टोटल 2.5 पाउच मैंने इनो डाला है। इनो डालने के बाद में आपको थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करना है ताकि ये रिएक्ट अच्छे से करेगा और इसे हम पूरे बैटर में सही से हम मिला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक ही डायरेक्शन में हिलाना है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इसे आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। जिस डायरेक्शन में आप मिक्स कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको हिलाना है। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इस बैटर को हम इडली के सांचे के अंदर डालेंगे। 1-1 चम्मच में डाल रही हूँ। इडली बनने के बाद में आप इसे सांभर के साथ में या फिर नारियल की चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आप नारियल की चटनी सीखना चाहते हैं किस तरह से बनती है तो चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है। तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अब मैं 1-1 करके 3 सांचों को इडली कुकर के अंदर डाल दूँगी। उबाल अच्छे से आया है हमारे पानी में। और याद रखिए, आपको बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसे बनने देना है। वो करीबन 10 मिनट लगेंगे एक बार में चढ़ाने पर। 10 मिनट बाद में हमारी इडली बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको बताती हूँ कितनी अच्छी दिख रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पॉन्जी, बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। मैं आपको बताती हूँ इसकी स्पॉन्जीनेस, आप देख सकते हैं सॉफ्टनेस। आप देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी बनी है। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।